कि पत्थर पानी में मत फेंको, कोई और भी ये पानी पीता है। पत्थर पानी में मत फेंको, कोई और भी ये पानी पीता है। जिंदगी इस कदर जियो कि आपको देखकर कोई और जीता है। पहली बार मेरी जिंदगी में मौका आया है क्योंकि मैंने महापुरुष तू युगंधर तू अभी एक गाना प्रस्तुत किया हुआ है अल्ट्रा कंपनी के अंडर, जिसको लिखा गया है और संगीत म्यूजिक किया गया है विनोद धोत्रे जी की तरफ से, और संगीत संयोजक और अविनाश भाई मिस्टर मोहिते हैं। और इस गीत के साथ खास ये दिल सुनने के बाद, गाने के बाद मुझे उनकी हिस्ट्री समझ में आ गई और मैं भी बहुत इम्प्रेस हो गई उनसे। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि वो गाना प्रस्तुत हो आज शाम को हो रहा है। गायिका दिव्यानी बेंद्रे इन दिनों अपनी गायकी को लेकर खूब प्रसिद्ध है और लोग उनके द्वारा गाए गाने खूब पसंद कर रहे हैं, चाहे वो लाइव स्टेज परफॉर्मेंस हो या सोशल मीडिया पर, हर जगह उनकी गायकी को सराहा जा रहा है। क्या कहना चाहोगे आज जिस तरीके से रिहर्सल था और आपका शो जो है वो 6 दिसंबर को है, उसको उससे लेके कितनी तैयारी चल रही है? 6 तारीख के लिए हमारे लिए बहुत भाग्योदय का दिन है क्योंकि उस दिन के लिए हर इंसान के जज्बे को सलाम करती हूँ मैं, क्योंकि हर इंसान बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का फैन है और उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए एक मौका ढूंढता है। तो 6 दिसंबर ये उनके लिए सुपुति का एक उदाहरण बनता है क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है भगवान को अपने एक मंदिर में जाकर हम लोग नमस्कार करें, तो ये नमस्कार है हर एक तरफ से। और मैं इतनी भाग्यशाली खुद को मानती हूँ कि आज ये पहली बार मेरी जिंदगी में मौका आया है क्योंकि मैंने महापुरुष तू युगंधर तू अभी एक गाना प्रस्तुत किया हुआ है अल्ट्रा कंपनी के अंडर, जिसको लिखा गया है और संगीत म्यूजिक किया गया है विनोद धोत्रे जी की तरफ से, और संगीत संयोजक और अविनाश भाई मिस्टर मोहिते हैं। और इस गीत के साथ खास ये दिल सुनने के बाद, गाने के बाद मुझे उनकी हिस्ट्री समझ में आ गई और मैं भी बहुत इम्प्रेस हो गई उनसे। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि वो गाना प्रस्तुत हो आज शाम को हो रहा है, और वो प्रस्तुत होने के बाद मुझे लगता है कि हवा होगा। उसके पहले ही मिस्टर मनोज संसारी जो यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता है, जय भीम वालों का नारा लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि दिव्यानी जी गाना बहुत अच्छा है, आप हमारे 6 दिसंबर के शो में प्लीज़ इसको गाइए। तो मैं इतनी खुश हो गई कि गाना रिलीज होने के पहले ही उन्होंने मुझे दावत दी है, तो मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को समझती हूँ। तक का कैसा रिस्पांस रहा है उस गाने को लेकर, जब कल से आपने जो रिलीज किया हुआ है? रिलीज कर रही हूँ, किया नहीं है तो उसके पहले ही हवा हो गई है, तो मुझे पक्का विश्वास है गाना हिट होने वाला है क्योंकि अभी रिहर्सल में भी आपने देखा होगा, आपने शूट किया होगा तो आपको समझ में आ गया एवरीबडी वाज एंजॉयिंग। तो क्योंकि इसमें एक अलग खास ये बात है कि अभी तक सिर्फ म्यूजिकली गाने गाते थे लोग, लेकिन इसमें एक मैंने वेस्टर्न टच दिया हुआ है क्योंकि मैं लोग बोलते हैं दिखती भी वेस्टर्न हूँ, तो थोड़ा रैप किया हुआ है, तो रैप करने के बाद लोगों को ये एक अलग अनोखी चीज बहुत अच्छी लग रही है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रैप के साथ म्यूजिक का एक मिलाप किया हुआ है, ये पहले ही नई पहल है और मुझे लगता है आगे जाके लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। बाबा साहेब पे बहुत सारे गाने बने हैं, लेकिन किस कैसे आपको थॉट आया कि कुछ अलग किया जाए जिससे पब्लिक जो जनता है जो लिसनर है? ये आइडिया मेरे दिमाग में आया जब मैं चौपाटी पे चल रही थी, अभी एक गाना शूट किया था मैंने इसी के लिए, तो वो गाना शूट करते वक्त मुझे ध्यान में आया कि हम लोग रैप क्यों नहीं बना देते। फिर अभी ये मौका आ रहा था 6 दिसंबर का, तो मैंने बोला चलो बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर ही ये बना लेती, और उसके हिसाब से मुझे प्रेरणा मिली और ये चीज़ बन गई। कुछ कहना चाहोगे इस गाने को लेकर? मुझे बहुत खुशी है, आपके लिए दो गाने सपोर्ट करना चाहूंगी कि ये सैल्यूट है और आपको सबको ये लेकर नारा चलना है क्योंकि इसमें बोल ही वैसे है, महापुरुष तू युगंधर तू ज्ञान सूर्य तू क्रांति युग प्रवर्तक महान तरला बुद्धा चा त्या शांति चा भारी गुम तो ये नारा भूल जगह सारा भारी गुम तो ये नारा भूल जगह सारा हे भीमा
ऐसा गाना है, तो मुझे लगता है ये पक्का सबको कम्युनिटी में पसंद आ जाएगा। बाबा साहब को जो है भारत समेत पूरी दुनिया में एक महान व्यक्ति के तौर पे देखा जाए, खासकर उसके लिए कि भारत का जो संविधान है कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से उन्होंने रचना की हुई है, तो आप किस तरीके से देखते हो और एक अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो भीम प्रशंसक? सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि लोग पागल बोलते उसी को जिसके सर पे जुनून होता है, और ये इंसान में ऐसा जुनून था कि जिसके पीछे अभी दुनिया भगवान मानती उनको, तो ये साधारण आदमी के लक्षण नहीं होते, ये अनोखी चीज होती है कि जिंदगी भर लोग उनकी अभी भगवान के तरीके से पूजा करेंगे। और मेरी खुशनसीबी है कि उनके लिए मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगी कि हमने सोचा था कि शायद हम ही चाहते हैं बाबा साहब आपको, हमने सोचा था कि शायद हम ही चाहते हैं बाबा साहब आपको, पर आपको चाहने वाला तो काफिला निकला। दिल ने कहा कि कर शिकायत उस खुदा से, दिल ने कहा कि कर शिकायत उस खुदा से, पर क्या करें, खुदा भी आपका चाहने वाला निकला। इसके साथ आप क्या बोलेंगे? कहा कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, फिर भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वेव आई है, तो ये रिलीज होने के बाद कितनी आपको उम्मीद होगी कि पूरे जो वर्ल्ड वाइड में आपके जो फैंस है वो किस तरीके से इसको रिएक्शन देंगे? मैं एक ही बात मानती हूँ, मैंने कहा जुनून होता है इस इंसान में, उसको प्रसिद्धि मिले नहीं मिले उसका कोई लेना देना नहीं होता। मेरे सिर्फ जुनून में ये बात है कि लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों के जुबान पे गाना आना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा से अगर सच्चे दिल से मानते हैं उनको, वो हर एक इंसान अपने लिए एक जज्बा लेकर ये गीत को गाएगा। देवयानी बेंद्रे के कुछ अगले गाने सुनने के लिए मिलेंगे? यस, अभी इसके बाद सब लव सॉन्ग्स की वेव आने वाली है, और मैं अभी जिनको यहाँ पे मैं वेट कर रही थी उनका, लेकिन आपने आपको जल्दी जानी थी इसलिए मैंने इनका वेट करते हुए मैं खास इनका लिए वेट कर रही थी। आज ये 6 तारीख के बारे में जो आप मुझे पूछ रहे थे, मुझसे ज़्यादा आप मनोज जी से पूछिए, क्योंकि वो इस कदर अपने आप को सैलाब में बहा लेके गए हुए, आप उनसे कुछ पूछिए इस तरीके। मनोज जी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जी। जो 6 तारीख का आपका प्रोग्राम होने वाला है, कितना आप तैयारी इसको लेके चल रहे हो और किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं कि जो पब्लिक का जो सपोर्ट है कितना मिल सकता है इसके लिए आपको? देखिए, हम तो हर साल लगभग 35 साल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो महापरिनिर्वाण दिन है उस उपलक्ष्य में हर साल शिवाजी पार्क में लगभग 3-4 लाख लोगों को खाना देते हैं। उसके बाद में हमारी कलाकारों की जो संगठन है जिसको संगीत कला अकादमी के नाम से पूरा महाराष्ट्र और देश जानता है, इस संगठन के माध्यम से सुबह 6 बजे हम भीम सुमनांजलि का, यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवनी पर प्रबोधन और उनके क्रांति जो उन्होंने की है इस देश में, उसके उपलक्ष्य में एक संगीतमय अभिवादन सभी कलाकारों की ओर से हम हर साल करते हैं। लेकिन इस साल ये पैंडेमिक पीरियड है और कोरोना कोविड के वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी अटकलें डाली है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई बाबा साहब तो इस देश के संविधान के रचयिता थे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया, और हमारे लोगों को भी हमने ऐलान किया है कि आप बाहरी तादाद में वहाँ पर नहीं ना आए, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की रोग राई या कोविड इन्फेक्टेड लोग ना हो, या कोई भी एक भी आदमी वहाँ पे कोविड इन्फेक्टेड आता है तो फिर और लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो हमने ये आह्वान भी किया है लोगों को कि भाई आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर रहकर आप बाबा साहब को अभिवादन कीजिए। लेकिन एक प्रोग्राम जो हर साल संगीत कला अकादमी का जो हमारे कलाकारों की ओर से बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए जो हम करते हैं, वह प्रोग्राम इस साल भी हमने हॉल में लिया है, और उसके जो कोविड के जो नॉर्म्स है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए, जैसे कि रविंद्र नाट्य मंदिर की कैपेसिटी 900 लोगों की है, तो वहाँ पे 50% यानी 450 लोग ही वहाँ पर रसिक श्रोता जो वहाँ पर आएंगे, और हमने एक अलग थलग इस वक्त हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें बाबा साहब की पूरी जीवनी, बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने जन्म से लेकर अपने महापरिनिर्वाण तक जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो इस महापरिनिर्वाण तक बाबा साहब ने जो जो योगदान इस देश के प्रति, इस देश के शोषित पीड़ित गोर गरीब और अल्पसंख्यक विशेष महिलाएं शेतकरी क्षेत्र मजदूर बहुजन दलित समाज के लिए जो काम किया है, इस देश के उत्थान के लिए जो काम किया है, उसके बारे में लोगों में जिस तरह से गलत फहमियाँ है या लोगों को पता नहीं है, जो हमारी नई नस्ल है जो नई पीढ़ियाँ है उनको पता नहीं है कि बाबा साहब ने क्या काम किया है, तो जो नई पीढ़ी को भी हम बाबा साहब बताना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, और इसलिए हमने ये
बहुत ही अच्छा यानी स्क्रिप्ट तैयार करके हमने ये प्रोग्राम तैयार किया, जिसमें हमारी देवयानी बेंद्रे जी जो काफ़ी मशहूर फनकारा है इस देश की और हमारे राज्य की, तो इन्होंने भी अभी एक नया गाना लॉन्च किया है मराठी में, महापुरुष तु युगंधर तु ज्ञान सूर्य तु, इस तरह का ये गीत है और वो गीत नए स्टाइल से उन्होंने बनाया है। अभी तक बाबा साहब के बारे में इस तरह का जो गीत है वो अभी तक नहीं किसी संगीतकार ने बनाया था, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि संगीत जो होता है ना, जिस तरह से युग है, जिस तरह से माहौल है, उस तरह से बनना चाहिए। अब जो पुराने स्टाइल के बाबा साहब के गीत थे वो नए बच्चे जल्दी सुनते नहीं, इसलिए इन्होंने वो रैप और सब ऐसा वेस्टर्न और क्लासिकल ऐसा उन्होंने सब मिलाकर यह बहुत अच्छा गीत उन्होंने बनाया, जिसका उद्घाटन 3 दिसंबर को आज ही उनका उसका उद्घाटन उन्होंने किया। और वो सुन हमारी देवयानी बेंद्रे जी जो है वो भी उस शो में इस गीत को लेकर खास परफॉर्मेंस करने वाली है। काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट उस प्रोग्राम में है, जैसे कि संजय सावंत है, उसके बाद में अनुष्का चड्ढा जी है, उसके बाद में शकुंतला ताई जाधव है, उसके बाद में स्वप्नजा गवई है, नागपुर से हमारे बहुत मशहूर गायक जो है जिनके पिताजी काफ़ी बाबा साहब के वक्त से गाना गाते थे, नागोराव पाटनकर उनके साहबजादे जिनका नाम है प्रकाशनाथ पाटनकर जी, उसके बाद में प्रहलाद शिंदे के जो लड़के हैं मिलिंद शिंदे, चंद्रकांत शिंदे, ऐसे काफ़ी दिग्गज लोग इस प्रोग्राम में अपना गाना गाने वाले हैं। और जो बजाने वाली जो टीम हमने बनाई है वो भी सब फिल्म के बड़े बड़े आर्टिस्ट है, यानी जैसे कि सूरा साटे है, उसके बाद में हमारे नंदू केरकर जी है, हमारे विजय शिवलकर जी है, हमारे अनिल करंजगांवकर जी है, राजू सालवे जी है, रवि मोरी जी है, ऐसे पूरे फिल्म में और कॉन्सर्ट शो में बजाने वाले दिग्गज आर्टिस्ट इस शो में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये किसी भी तरह का मुआवजा हमारे से नहीं ले रहे, क्योंकि ये सब संगीत कला अकादमी से जुड़े हुए, तो ये फ्री ऑफ चार्ज सब बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए सभी जाति धर्म के लोग, यहाँ तक हमारे कव्वाल जनाब जाहिद नाजा, कव्वाल अनवर जानी जी, कव्वाल मुस्तफा नाजा जी, कव्वाल रुबीना सेबिना, कव्वाल हमारी जेबा बानू जी, ऐसे काफ़ी हर जाति धर्म के लोग जिनको आज एक तो अच्छा हुआ कि बाबा साहब के बारे में सबको पता चला कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के या पिछड़ों के या अस्पृश्य समाज के नेता नहीं थे, तो बाबा साहब इस देश के प्रति अपना लगन मगन और पूरी नेतृत्व करने वाले एक नेता थे, और इसलिए आज पूरा जाति धर्म का आदमी बाबा साहब को नमन करता है। और इसीलिए सब कलाकार इस साल ये जो प्रवास युगंधरा सा, इसका मराठी में हमने कहा, जैसे कि एक डॉक्टर आंबेडकर फिल्म आई थी कान कहाँ सत्य, वैसे हमने प्रवास आंबेडकरांचा क्रांति सूर्याचा जीवन प्रवास, इस तरह से हमने थीम बनाई है, जिसमें बाबा साहब से जन्म से लेकर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण तक और उसके बाद जो आज की स्थिति है देश में, जाति धर्म पंथ प्रांत भाषा बोली बेरोजगारी बड़ी है, हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, जाति और धर्म के ऊपर लोग एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, तो ये सब बातों के खिलाफ ही बाबा साहब की जंग थी। तो ये सब बातें हम इस प्रोग्राम में प्रवास युगंधर का ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत चालू है। हम यही कहेंगे कि आप लोग भी उस प्रोग्राम को जरूर आप लोग शामिल हुई, और ज़्यादा लोग वहाँ पर तो हम नहीं बिठा सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जिनको जो फर्स्ट आएगा उनको हम पास देंगे, मुफ्त में ये प्रोग्राम है, तो लोगों ने भी ये प्रोग्राम देखना चाहिए। और ये प्रोग्राम बाद में हम 14 अप्रैल से लेकर लगातार जो बाबा साहब की जयंती होती है 2.5-3 महीना, उसमें हम लोगों के सामने इस प्रोग्राम को लेकर जाना है। शुक्रिया। मैं मनोज संसारे, मैं संगीत कला अकादमी इस कलाकारों के संस्था का मैं संस्थापक हूँ, 2008 से संस्था काम कर रही है। मैं तमाम भारत देश के जो हमारे युवा है, जो हमारे आर्टिस्ट भाई बहन हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वायरल बॉलीवुड ये जो बहुत ही बढ़िया चैनल है, इसको आप सब लोग देखें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो संगीत कला अकादमी के जो प्रोग्राम है ये लगातार इस चैनल पे हमारे ये सब वायरल बॉलीवुड के लोग बताते रहेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
वायरल बॉलीवुड ने मौका दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वायरल बॉलीवुड इस तरीके का चैनल है कि जिसको सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने आप को एक अलग दुनिया में पाएंगे। और ये दुनिया बसाने के लिए प्रीतम जी और इनके कैमरामैन ने बहुत मेहनत की है, तो आप सभी लोग इनको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज बताइए और एंजॉय कीजिए जितने भी प्रोग्राम्स हमारे मनोज संसारी जी की तरफ से आएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू, गुड डे, बाय।